हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 और 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो इसमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है cot² π/6 का मान जो हम लोग का होता है प्लस cos² π/6 प्लस 3 tan² π/6 का वैल्यू क्या होता है। तो cot² π/6 का जो वैल्यू है उसको π/6 में क्या होगा, उनका 30 डिग्री हो गया। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ RHS कर लेते हैं, ये LHS ले लेते हैं पहले, इसमें LHS से शुरू करते हैं हम लोग। LHS में क्या होगा, cot 5/6 जो है, 5/6 का वैल्यू है वो हम लोग क्या हो गया √3 होल स्क्वायर प्लस cos 5/6, तो ये हो गया cos 6। पाई क्या हो गया, तो पाई माइनस 5/6 प्लस 3 tan। 10 का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, 30 डिग्री, और 10 30 का जो मान होता है वह 1/√3 का होल स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 प्लस पाई के साथ माइनस कर रहे हैं, तो पाई के साथ माइनस करें एक किस पॉइंट में चलेगा, सेकंड पॉइंट में चलेगा, और सेकंड पॉइंट में cos का जो मान होता है वो क्या होता है हम लोग का, प्लस होता है। यहाँ जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो सिर्फ लेट आएगा cos 5/6 प्लस यहाँ क्या होगा 3 × 1/3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस cos 5/6 cos 5/6 sin 5/6 1/2, तो cos 5/6 क्या हो जाएगा 2/1, यहाँ हो जाएगा 2, और यहां से बच गया हम लोग का 1 बचा 3 2 5 1 6, तो हम लोग को प्रूफ करना था कि टोटल का जो वैल्यू आता है वो कितना आना चाहिए, हम लोग को 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन दिया हुआ, वैल्यू क्या लाना है हमको, 10 आना है। LHS देखते हैं क्या है, पहले 2 sin 3/4 चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, साइन के स्क्वायर में 3/4 को क्या लिखेंगे, पाई से माइनस करते हो 3/4 लाना है, प्लस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 5/4, तो पाई 4 पाई वन चला गया 3/4 प्लस 2 cos 6/4 हो गया। cos 5/4 का मान क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec² π/3 sec² π/3 sec में 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2, sec 60 का मान 2/1 का होल स्क्वायर 2 × ये जो है पाई माइनस पाई ऑफ वही बोल सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट में चला गया, सेकंड पॉइंट में जो है वो साइन का मान प्लस होता है, तो इसमें क्या होगा हम लोग का sin² π/4 हो जाएगा, प्लस ही आएगा प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 2 × sin 45 डिग्री, sin 45 का मान 1/√2, ये जाएगा उनका 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 4 = 8 हो गया। अब यहाँ क्या है 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 8 और 1 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 9 = 10 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था, टोटल 4 क्वेश्चन था हम लोग को। तो ये जो है सो वैल्यू जो दिया हुआ 3/4 को चेंज करना है, पाई के टर्म में चेंज करना है, पाई से माइनस या पाई से प्लस, और क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2 फॉर्मूला पर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। sin x + y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस किस, और वही अगर sin x माइनस हो जाता है तो फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ प्लस का यहाँ माइनस हो जाता है। इसी 2 फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन दिया है sin 25 डिग्री। अब sin 25 डिग्री है तो हम लोग तो 30 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 90 का जानते हैं, 45 जानते हैं, लेकिन 75 का वैल्यू हमको नहीं पता है। अब क्वेश्चन दे दिया कि sin 25 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करना है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको वैल्यू जिसका वैल्यू जानते हैं उसको सॉल्व कर, उस तरह से चेंज करते हैं इसको, इसको इसको चेंज क्या करते हैं दोनों, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 45 प्लस 30 मिलके 75 हो जाएगा। अब ये साइन x प्लस वाई को फॉर्म में चला गया, साइन x प्लस वाई, और यहाँ अब ऐसे फॉर्म आ जाना है, x की जगह 45 और y की जगह पर 30 लिख देना आपको, फॉर्मूला यह दिया हुआ sin x cos y plus cos x sin y के टर्म, तो क्या हो जाएगा मेरे sin x पहले, तो sin 30 डिग्री cos y sin x 45 डिग्री, क्या क्या लिखते हैं हम sin 45 लिख देते हैं, cos y 30 डिग्री प्लस फिर एक cos x है, cos x में cos 45 डिग्री और साइन वाई है, तो साइन वाई में साइन 30, ठीक है, एक्स की जगह पर जहां है एक्स 45 डिग्री, जहां वाई वहां पर 30 डिग्री उठाना है, साइन एक्स साइन 45 कॉस वाई कॉस 30 प्लस का प्लस कर दी, कॉस एक्स 45 डिग्री और साइन वाई है तो साइन 30 डिग्री। अब आते हैं लोग साइन 45 का वैल्यू पुट करते हैं, साइन 45 वन बाय रूट टू इन टू कॉस 30, cos 30 का मान कितना होता है रूट थ्री बाय टू, cos 30 रूट थ्री बाय टू प्लस cos 45, cos 45 का मान वन बाय रूट टू और sin 30 का मान, sin 30 का मान वन बाय टू हो जाएगा, टोटल का वैल्यू सिर्फ बैठा देना 45 वन बाय रूट टू, cos 30 रूट थ्री बाय टू, cos 45 वन बाय रूट टू और sin 30 का वन बाय टू, सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर क्या लगा इसका रूट थ्री बाय टू रूट टू हो जाएगा प्लस ऊपर मल्टीप्लाई वन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टू रूट टू हो जाएगा, ऐसे मिल लेते हैं और नीचे दोनों का सेम है ऐसे में, तो यहाँ जाएगा टू रूट टू हो जाएगा और ऊपर जाएगा रूट थ्री प्लस वन, यहाँ जाएगा रूट थ्री प्लस इस, इसका वैल्यू, तो फर्स्ट दोनों का साइन 25 डिग्री का जो वैल्यू आया वो रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू। सेम क्वेश्चन अगर हमको देता है क्योंकि साइन 75 की जगह पर अगर साइन 15 का क्वेश्चन दे दे कि साइन 15 में कैसे सॉल्व करें, तो साइन 15 अगर दिया था फिर से क्या 45 को माइनस किया 30 कर देंगे, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और इसमें हो पहले सुन लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं लोग, फाइव का सेकेंड क्वेश्चन क्या है 15 डिग्री, अब 10 15 है तो 10 15 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 15 का क्या लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30, और एक फॉर्मूला क्या होगा 10 x माइनस y का होगा, अब इसको फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला होता है क्या 10 x माइनस y का 10 x माइनस y, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 10 x माइनस 10 वाई बाय 1 प्लस 10 एक्स इंटू 10 वाई, एक फॉर्मूला याद रखना कि 10 एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई माइनस में माइनस होता है प्लस होता है एक्स और वाई का, अब इसको वैल्यू पुट करते हो 10 एक्स में तो 10 45 डिग्री माइनस 10 वाई 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 x 10 45 डिग्री और 10 y में 10 30, इसमें करना है कि जहां x और 45 पुट करना है और 10 y की जगह जहां जहां वहां पर लोग 32 करना है, अब 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1 बाय रूट 3, यहां जाएगा 1 बाय रूट 3 बाय 1 प्लस 1 प्लस जाएगा और 10 45 का मान 1 इंटू 10 30 का मान 1 बाय रूट थ्री जाएगा, अभी तो सॉल्व कर देते हैं रूट थ्री आ जाएगा लोग इंटू करेंगे रूट थ्री हो जाएगा, तो रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट थ्री बटा, अब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये रूट थ्री से ऐसे में यहाँ पर नीचे पूरा का क्या हो जाएगा उनका रूट थ्री हो जाएगा, तो पूरा यहाँ आ जाएगा लोग का वो हो जाएगा रूट थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, तो रूट थ्री और यहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1 आ जाएगा उनका, अब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा रूट थ्री माइनस वन और ये रूट थ्री दोनों केस में जाएगा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन जाएगा,
ए हम लोग का 10 15 डिग्री का जो वैल्यू आता है रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस टू ए, चाहे इसको फिर से आप सॉल्व भी कर सकते, रूट थ्री प्लस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको भी चाहेंगे तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट थ्री माइनस वन को रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन चेंज कर देते हैं, रूट थ्री माइनस वन है तो रूट थ्री माइनस प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री माइनस वन कर देते हैं, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का सेम हम लोग का है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो जाएगा हम लोग का रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री का थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो थ्री और वन फोर, तो फोर माइनस टू रूट थ्री बाय टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो टू है टू से कैंसिल हो जाएगा, फोर और टू में टू टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का टू से कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा टू माइनस रूट थ्री, ये सब क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, तो इसे टू यहाँ कट जाएगा टू से टू कट जाएगा हम लोग, तो टेन फिफ्टीन डिग्री का जो वैल्यू निकलता है लास्ट में यहाँ भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन अगर ऑप्शन में चेंज किया हो लेकिन और कुछ ऑप्शन बढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट 15 का वैल्यू लिखेंगे और 2 माइनस रूट थ्री, तो है क्या 15 डिग्री है तो 45 से 30 को माइनस कर देंगे, अगर 75 रहेगा तो 45 प्लस 30 कर देंगे हम लोग, और फॉर्मूला को यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस और यहाँ माइनस करके सॉल्व कर देंगे, ठीक इसको पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आगे सॉल्व करेंगे।